अल्पसंख्यक भाइयों के लिए क्या क्या योजना? देखिए, शासन की योजनाएं हैं, जैसे कि आपने स्लोगन सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सबका साथ सबका विकास। तो जितनी भी योजनाएं अभी जो बन रही हैं वो सभी समुदायों के लिए बन रही हैं। खास तौर से आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज बहुत पीछे चला गया। उसका मुख्य कारण दो थे, एक तो तालीम की कमी और दूसरा जिन लोगों ने लंबे समय तक हुकूमत की, यानी कि कांग्रेस, उनने कभी अल्पसंख्यकों को हितार्थ या उनके विकास के लिए विचार नहीं किया, उनके वोट लिया और वोट लेके उनको भूल गए। पर ये जो सरकार है हमारी प्रदेश की और केंद्र की, ये सबका साथ सबके विकास की बात करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा स्लोगन दिया जो इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए एक संदेश दिया कि हम देश के जो नौजवान हमारे मुसलमान बच्चे हैं उनके एक हाथ में हम कुरान शरीफ देखना चाहते हैं और दूसरे हाथ में लैपटॉप। यानी कि ये जो सरकार है ईमानदारी से मुस्लिम समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए काम कर रही है। जहाँ तक प्रदेश सरकार का सवाल है, अनेकों योजनाएं मिली जुली हुई बनाई हुई हैं। जैसे आप देखिए कि लाडली लक्ष्मी योजना है या कन्यादान योजना है। आप देखिए कि जहाँ कन्यादान योजना के साथ अब मुख्यमंत्री निकाय योजना भी, जहाँ दूसरी ओर तीर्थ दर्शन के लिए पहले दिन अगर ट्रेन रामेश्वरम जा रही है तो दूसरे दिन अजमेर शरीफ जा रही है। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो सबका साथ सबका विकास और गंगा जमुनी तहजीब को लेकर बनाई गई है। तो ये सरकार ईमानदारी के साथ मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कोशिश कर रही है। हज यात्री के लिए क्या क्या सुविधाएं? देखिए, हज के लिए बहुत ही सहूलियतें उपलब्ध कराई गई हैं और ये आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इस बात की फिक्र की कि जो हज यात्रियों को छोड़ने के लिए जाते हैं उनके लिए कोई हज हाउस होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी पहल की और करोड़ों रुपए की लागत से अभी भोपाल में हज हाउस का निर्माण हुआ है और इंदौर में भी होने जा रहा है कि जो हमारे हज यात्री जाते हैं उनको जो छोड़ने के लिए उनके जो साथी संगी जाते हैं, परिजन जाते हैं, उनके लिए बेहतर इंतजाम हो सकते हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक भाइयों के लिए किस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये जो सरकारें हैं ईमानदारी के साथ मुस्लिम समाज का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा देश जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का एक देश है, आपसी सद्भाव भाईचारे का एक देश है। जैसे किसी ने कहा कि हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हमारा प्रदेश की और केंद्र की सरकारें काम कर रही हैं। जहाँ तक गंगा जमुनी तहजीब का सवाल है, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, भाषा की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। आप हिंदुस्तान के अंदर हिंदू बने रहिए, मुसलमान बने रहिए, सिख बने रहिए, ईसाई बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिस दिन आप हिंदुस्तान के बाहर पहला कदम रखोगे, उस दिन आप हिंदू रहोगे, ना आप मुसलमान रहोगे, ना आप सिख रहोगे, ना आप ईसाई रहोगे। अगर आप कुछ रहोगे तो सिर्फ भारतीय और हिंदुस्तानी ही रहोगे। हम विदेशों में मजहब से नहीं, वतन से पहचाने जाते हैं। अगर एसकेमुद्दीन साहब अगर अरब चले जाएँ तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मुसलमान आए, कोई भी बोलेगा ये भारतीय और हिंदुस्तानी आए हैं। तो आज हिंदुस्तान का जो माहौल है और जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, आपसी सद्भाव भाईचारे का माहौल है, गंगा जमुनी तहजीब का हमारा देश है, यही दुआ मांगने के लिए नार सैयद साहब की बारगाह में हम लोग आए थे कि हमारा प्रदेश और देश खुशहाल रहे, आपसी सद्भाव भाईचारा बना रहे, यही दुआ मांगकर आप आगे जाए। संगठन से जोड़ने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों को? देखिए, संगठन से तो मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। एक समय यह था कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस और बाकी दीगर पार्टियों ने एक भ्रांति फैला रखी थी मुस्लिम समाज में, ये आपके इंटेंशन है। पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज भाजपा के साथ जुड़ा है और जिन क्षेत्रों में कभी हम झंडा और बैनर नहीं लगा पाते थे, आज उन्हीं क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के जन प्रतिनिधि चुन के, पार्षद हैं, नगर पालिका में उपाध्यक्ष आता है, ये चुन चुन कर नगर पालिकाओं में पहुँच रहे हैं।
तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज जुड़ रहा है और आगे और जुड़ेगा। आपके बैनर तले एक जबलपुर में एक संगोष्ठी रखी गई थी 3 तलाक वाले विषय के ऊपर, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनचाही तलाक का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में ये हिदायत दी गई है कि अल्लाह ताला को तलाक नापसंद है। तलाक से अर्श का पाया हिलता है, और किसी बहुत बड़ी मजबूरी में अगर तलाक देना भी है या तलाक होना भी है तो वो कुरान हदीस और शरीयत की रोशनी में होना चाहिए। मनचाही तलाक का हम लोग विरोध करते हैं कि कोई नशे में, गुस्से में, मजाक में आकर किसी ने तलाक दे दी और तलाक कबूल भी कर ली गई और उस महिला और उन बच्चों के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया जिनकी ज़िंदगी तबाह हो गई और जिनकी ज़िंदगी जैसे बिना पतवार की नाव होती है ऐसी हो गई। इसका हम लोग विरोध करते हैं कि जो भी हो, अगर तलाक हो तो वो कुरान हदीस और शरीयत की रोशनी में हो। मनचाही तलाक का हम लोग विरोध करते हैं कि 3 तलाक बोल दिया और तलाक हो गई, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसके लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए आपके हिसाब से तलाक के लिए? तलाक के लिए जैसे मैंने आपको बताया, कुरान हदीस और शरीयत की रोशनी में होना चाहिए, मौका देना चाहिए। जैसे कभी कोई किसी बात में दिलशिकनी हो गई है और मियां और बीवी में किसी बात की बात है तो एक पहली एक वार्निंग दी गई, फिर उसमें 1 महीने का वक्त दिया जाता, फिर उसके बाद भी बात नहीं बनी तो 2 तलाक दी गई, और उसके बाद भी नहीं बात बनी तो फिर 1 महीने के बाद फिर 3 तलाक दी, तो फिर 3 तलाक हो गई तो फिर निकाह से वो खारिज भी हो गई और बाकी जो प्रक्रिया वो पूरी हो। तो कुल मिला के समझौते की गुंजाइश बनी रहना चाहिए, ये इसका एक तरीका। यानी कि हमने 3 तलाक बोल दिया, तलाक 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 और तलाक हो गई, कोई भी जो काम हो वो हदीस और कुरान और शरीयत की रोशनी। कौन पे भी तलाक दी जाती है? नहीं, मैं अब वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि 3 तलाक आपने फोन पे दे दी या 3 तलाक मुंह पर बोल दिए, तलाक 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 ऐसे, ये तलाक, ये मनचाही तलाक नहीं। हम लोगों का कहना ये है कि कुरान शरीफ, शरीयत और हदीस की रोशनी में होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए छड़क गुस्से में बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो वो जो वक्त है वो अगर निकल गया तो आदमी की जो जिंदगी तबाह हो रही वो बचेंगी उससे। यूपी चुनाव को लेकर क्या कहना? यूपी चुनाव को लेकर तो काफी अच्छा माहौल है और बाकी आप राजनीतिक हवा सपा बसपा का आप लोग देख ही रहे होंगे, पर ईमानदारी के साथ इस बार जैसे लोकसभा में समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी को, विधानसभा के चुनाव में भी मिलने जा रहा है और वो उत्तर प्रदेश की जनता के हक के लिए और पूरे देश के लिए बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के वहाँ प्रचंड बहुमत की रुझान होगा। वहाँ पे अल्पसंख्यक भाइयों का रुझान क्या है? देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग का रुझान जो है वो मिला जुला है, कुछ बसपा में है, कुछ सपा में है, और कुछ जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके परिणाम भी आपको अभी चुनाव में देखने मिलेंगे। मंदसौर का दौरा आप कैसे हुआ? मंदसौर का दौरा तो मेरा वैसे होता ही रहता है, काफ़ी मेरे यहाँ पे मिलने जुलने वाले लोग हैं, हमारे आत्मीयजन हैं। मैं अभी गया था अजमेर शरीफ ज्यारत करके, वहाँ से लौट रहा था तो यहाँ पे आज कल एक कार्यक्रम था सीतामऊ में, तो वहाँ पे एक कोर्स था उसमें मैंने शिरकत की, फिर अभी मंदसौर में हूँ और आज अभी शाम तक पहुँच जाऊँगा रतलाम, तो रतलाम में कुछ कार्यक्रम है वो करके मैं रात अल्पसंख्यक भाई और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देंगे? बस संदेश ये है कि जिस जगह पर भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथी काम कर रहे हैं या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में काम कर रहे हैं, खूब मन लगा के काम करें, पार्टी के माध्यम से, मंच के माध्यम से समाज का जितना भला कर सकते हैं उतना भला करें और समाज को ज्यादा से ज्यादा भाजपा और मंच के साथ जोड़ने का काम करें, यही संदेश है।